समाज राजेंद्र गडूरा जी, पूर्व विधायक सीता सैनी जी, पप्पू सैनी जी, कमलेश सैनी, कृष्ण यादव जी, दीनबंधु शर्मा, अजीत यादव और तमाम सम्मानित मंच, भाई और बहनों, नौजवान साथियों, मुझे खुशी है कि अलवर में आज ये सभा हो रही है और हमारे कांग्रेस पार्टी ने सोच समझ के आपके शहर से अजय अग्रवाल जी को, टीकाराम जूली जी को, जुबेर खान जी को टिकट दिया है। तीनों लोगों में दमखम में काम करने का, अगर आप इनको आशीर्वाद देंगे, आपका आशीर्वाद की आवश्यकता है जो मैं मांगना हूँ आपसे, क्योंकि 5 साल तक जो हमने काम किया आपके आशीर्वाद से मुझे तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाया आपने। आप सोच सकते हो मैंने एक एक पल जो है, कैसी भी स्थिति आई हो, कोरोना आ गया हो, सरकार गिराने का षड्यंत्र किया हो बीजेपी ने, आज उनके तीन तीन कैबिनेट मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, 32 रोज की मीटिंग चल रही है और जो 5 साल हमने काम किया उसी आलोचना नहीं कर पा रहे हैं, कोई कमेंट नहीं कर पा रहे हैं। कायदा होता है 5 साल सरकार चली हमारी, हमने कानून पास किए, हमने महंगाई राहत शिविर लगाए, हमने योजनाएं बनाई, हमने गारंटी देने का काम किया, उस पर चर्चा करे वो कि सरकार ने 5 साल में ये कमी रखी है, खाली घोषणा दी, घोषणा उतरी नहीं है, ये कमी रह गई है, इस पर बहस होनी चाहिए चुनाव के लिए, उसकी बजाय नॉन इश्यू को इश्यू बना रहे हैं, लोग भड़का रहे हैं जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, ये लोकतंत्र में अच्छी परंपरा नहीं है। प्रधानमंत्री के मुंह से जो बातें सुनते हैं तो बड़ा दुख होता है, क्या हो रहा है। सारे अगर नेता जो बोलते हैं इनके दिन भर में, शाम को अगर आप सबकी 2-2 लाइन लिख दो तो आपको लगेगा तमाम नेताओं की एक एक ही भाषा है दिन भर की बोलने की, भड़काने वाली, चाहे वो यूपी के योगी महाराज हो, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हो, आसाम के मुख्यमंत्री हो, नंबर 1 नंबर 2 हो, आप सोच लीजिए किस तरफ देखो जाना चाहते हैं लोग। आज लोकतंत्र खतरे में है, दबाव में जुडिशरी है, इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई है, मैं कई बार कहता हूँ उनके पास में ईडी है, मेरे पास में गारंटी है। और मोदी जी कहते मेरी गारंटी पक्की है, मैं कहता हूँ मोदी जी आपकी गारंटी कच्ची है। आप जब चुनाव हो जाएगा 25 तारीख को, फिर 5 साल तक आप रास्ता नहीं आओगे, आपकी गारंटी क्या काम आएगी, क्या काम आएगी, उनके वादे क्या काम आएंगे, क्या वो मुख्यमंत्री बनेंगे आखिर, के वो सड़क बनाएंगे, वो स्कूल खोलेंगे, कॉलेज खोलेंगे, नगर परिषद वो बनाएंगे, मिनी सचिवालय वो बनाएंगे, क्या करेंगे वो आकर के, यहाँ गायब हो जाएंगे और किसी को थोप देंगे यहाँ पर। तो आप सोच सकते हो किस दिशा में देश जा रहा है। हमने जो गारंटी दी, हमने कानून पास किए, एक के बाद एक शानदार कानून वो है, किसानों की कानूनी जमीनें कुड़के नहीं हो सकेगी उनकी, गांधी कानून बना दिया, नरेगा की तरह शहरों में रोजगार, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना दे दी हम लोगों ने, गिग वर्कर्स का अलग कानून बना दिया हम लोगों ने, राइट टू हेल्थ हिंदुस्तान में दुनिया में कहीं नहीं होगा, स्वास्थ्य का अधिकार चिरंजीवी बीमा में 25 लाख का बीमा हिंदुस्तान में कहीं पर नहीं है, हिंदुस्तान में नहीं है, 5 लाख का है वो केंद्र वाला, वो 25 मिनट जनता के लिए है, गरीब अमीर कैंसर का इलाज फ्री, हार्ट का इलाज फ्री, किडनी ट्रांसप्लांट, घुटने बदलाव, कुछ भी करो, एक नया पैसा खर्च नहीं हो रहा है लोगों का। इतनी मैंने योजना दी, ओपीएस लागू कर दिया कर्मचारियों के लिए, 5 लाख कर्मचारी खुश है वो, एनपीएस के माध्यम से
उनकी हालत खराब हो गई थी, सोच करके ही बुढ़ापे में पता नहीं क्या होगा। आज हमने 100 यूनिट बिजली फ्री करी है, 1 करोड़ लोगों के आज घरों बिल नहीं आ रहे हैं। इतनी महंगाई भयंकर है। जो राहुल गांधी जी आए थे आपके माला खेड़ा के अंदर, तब क्या मुद्दे थे? महंगाई का था, बेरोजगारी का था, प्यार मोहब्बत का था, भाईचारे का था, और गरीब अमीर मेरी खाई नहीं होनी चाहिए, तो थे 4 मुद्दे। उसी पर हम काम कर रहे हैं, उसी पर काम कर। 3 लाख नौकरियां दे रहे हैं हम लोग, 2.25 लाख तो लग चुकी है, बाकी इंटरव्यू चल रहे हैं, एग्जाम हो रहे हैं। बच्चों का एक बार खाली फीस भरनी पड़ेगी एग्जाम के लिए, जितने एग्जाम देना चाहे सब फ्री होंगे। अब ये बात करते हैं, पेपर ले लीजिए, पूछो तुम किस मुंह से बात करते हो। गुजरात में पेपर आउट हो गए, यूपी में पेपर आउट हो गए, बिहार में हो गए, मध्य प्रदेश में हो गए, आर्मी में पेपर आउट हो गए, राजस्थान हाईकोर्ट के पेपर आउट हो गए। एकमात्र राजस्थान राज्य है, 200 लोगों को जेल में डाल दिया, बुलडोजर चला के उनके बिल्डिंग गिरा दी हम लोगों ने, पकड़ लिया उन लोगों को और कानून पास कर दिया, आजीवन कारावास। बताइए क्या चाहते हैं लोग? पूरे देश में पेपर आउट हो रहे, चिंता प्रधानमंत्री को देश की जाननी चाहिए कि तो पेपर आउट क्यों हो रहे देश के अंदर, क्यों असुरक्षा की भावना युवाओं के अंदर है, कौन पेपर मनी है, क्या मजबूरी थी उनकी? प्राइम मिनिस्टर होता देश का, देशभर की चिंता करे, राजस्थान की चिंता करे चुनाव आते ही। इसलिए मैं कहना चाहूंगा आपको, कहना बहुत सारी बातें, 500 रुपए गैस सिलेंडर मैंने माला खेड़ा में अनाउंस किया था, दिल्ली की सरकार घबरा गई, मजबूरी में 200 रुपए कम करने पड़े उनको, ये स्थिति है हमारे फैसलों की। इतने में कहना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री जी बताओ कि आप 25 लाख बीमा कब करोगे देशवासियों के लिए, आप 500 रुपए में गैस सिलेंडर कब करोगे, शहरी रोजगार योजना कब लाओगे, ये बताओ आप। तो खाली आप धर्म धर्म के नाम पे लोग भड़का रहे हो। हमने गाय माता की सेवा की, हिंदुस्तान में किसी ने नहीं करी। गाय का हमने विभाग खोला है, अनुदान हम दे रहे हैं। पिछली बार वसुंधरा राजे के वक्त में 500 करोड़ दिए गौशालाओं को, राजस्थान भर में हमने दिए 3000 करोड़ रुपये गौशालाओं में अनुदान दिया। अभी लंपी लोग आए, गाय मर गई, तड़प तड़प करके 40,000 रुपये प्रति गाय हमने चुका दिए किसानों को। कहाँ चुका है देश के अंदर? उसकी बात मोदी जी करेंगे। आगे बीमा कर रहे हैं पशुओं का, गोधन योजना लेके आए हैं, अभी तमाम गायें पशु जो है बाड़ों में रहेंगे। मैं देख के आया रायपुर के अंदर, अब हमारी राजस्थान की परंपरा के हिसाब से चुनरी उड़ाकर घर जाता है नेता का स्वागत। और सरकार गोबर खरीदती है, वो इसकी मैंने गारंटी दी है आपको, इस बार हम भी गोबर खरीदेंगे। गलियों में घूमती गायें आवारे, कई बार गाय मर जाती है एक्सीडेंट से, कई बार आदमी मर जाता है, दुर्घटना हो जाती है, दुर्घटना रुक जाती है, सफाई रहती है गलियों के अंदर, आवारे के रूप में गायें घूमती नहीं। जो गाय माता कहते हो वो गलियों में आवारे पशु को कहला रहे, ये काम हम कर रहे हैं और गोबर लोग बनते हैं। हम तो गाय के दुश्मन, आवाज नहीं, ढोंगी लोग हैं। हम सबको सचिन पायलट साहब को और हमारी महबूब नेता प्रियंका गांधी जी को सुनना है। हमारी योजना तो सब शांति बनाए रखे, मैं हमेशा आपसे बात करता रहता हूँ। तो आप यहाँ पर अलवर से मुख्यमंत्री सिलेंडर जो है 500 रुपए का, कल ही मैंने कहा है उसका दायरा बढ़ा रहे हैं। अभी तो खाली उज्ज्वला योजना की बात थी, हम दायरा बढ़ा रहे हैं। जो भी
फूड सिक्योरिटी एक्ट में आते हैं लोग, राशन की दुकान में सामान लेते हैं, उन तमाम लोगों को 1.5 लाख परिवारों को अब जो है 500 रुपये वाला सिलेंडर सरकार बनती हम 400 रुपये में देंगे, 400 रुपये में देंगे। इस प्रकार से हम आगे बढ़ रहे हैं। 15 लाख का बीमा कर रहे हैं कि बिजली कड़के गिर जाती है, बाढ़ आ जाती है कई जगह पर ओलावृष्टि हो जाती है, नुकसान ज़्यादा होता है, मुआवजा कम मिलता है। हम बीमा करवाएंगे कम से कम 15 लाख तक का मुआवजा मिल सके किसानों के किसी परिवार को, ये व्यवस्था कर रहे हैं। दो वादे कर रहे हैं हम छात्रों के लिए, इंग्लिश पढ़ाने का। इंग्लिश के मैं भी खिलाफ था बचपन के अंदर, क्या काम आएगी, राजीव गांधी का सपना था। आज देखिए आप, कंप्यूटर मोबाइल इंटरनेट सेवाएं, पूरी दुनिया की जानकारी मुट्ठी में हो गई है, नॉलेज इज पावर हो गया है। उसके अंदर हम चाहते हैं हमारे बच्चे भी आने वाले वक्त में एक्सपर्ट बने, आईटी एक्सपर्ट बने। ए भाई कैमरा वाले रील वाले डिस्टर्ब करो तुम मीटिंग को, बंद करो दे रहा। वो जो है हम चाहते हैं कि हर हमारी आने वाली पीढ़ी होशियार बने। इंग्लिश अंतर्राष्ट्रीय लैंग्वेज है। आज मैं कह सकता हूँ आज भीड़ पड़ रही बच्चों की इंग्लिश पढ़ने के लिए, गाँव के अंदर भी लॉटरी खोलनी पड़ती, ये बच्चे पढ़ लिख जाएंगे, पता नहीं दिल्ली अमेरिका इंग्लैंड बॉम्बे कहाँ जाएंगे लोग, अमीर बच्चों की तरह जाएंगे। इंग्लिश गांव में पढ़ा रहे हैं, फ्री में पढ़ा रहे हैं, फीस लगती 50,000 फीस लगती है प्राइवेट के अंदर। हम चाहेंगे कि बच्चे पढ़े इंग्लिश, और साथ में मैंने वादा किया है, वचन दिया आपको, सरकार बनते ही इस बार जो पढ़ते हैं बच्चे 12वीं में पढ़ रहे हैं, 12th में वो जाएंगे फर्स्ट ईयर में कॉलेज, सरकारी कॉलेज में जाएंगे, लाखों बच्चे जाएंगे। क्योंकि टैबलेट जो होता है लैपटॉप करीब 20,000 की लागत होती है, पैसा वाला बच्चा आएगा वो तो लेके आएगा घर से अपने लैपटॉप या टैबलेट, माँ बाप पैसे वाले हैं, गरीब के बच्चे के पास टैबलेट होगा नहीं, तो पढ़ाई में फर्क आ जाएगा दोनों के अंदर, समझदारी के अंदर, क्योंकि वो तो एक्सपर्ट बन जाएगा। ये इसके पास लैपटॉप नहीं है, टैबलेट नहीं है, हमने तय किया तमाम बच्चों को, लाखों बच्चों को सरकार लैपटॉप टैबलेट देगी, उन लोगों को देगी। इस प्रकार से हमने कई योजना बनाई है, और ओपीएस का क्या मैंने कहा है, ओपीएस बहुत महत्वपूर्ण है, आरजीएसएस स्वास्थ्य योजनाएं कर्मचारी वो बहुत शानदार है। इन योजनाओं को हम चाहेंगे सरकार बनने के बाद में ओपीएस का कानून पास करेंगे, पक्का हो जाएगा, अभी अभी पक्का है और पक्का कर देंगे, कोई सरकार बदल नहीं पाएगी उसको। आरजीएसएस है उसका बहुत महत्व है, और ये आप देखना, ये अगर सरकार बीजेपी वाले हमेशा कुछ भी कर सकते हैं लोग, आज ये आरसीपी की बात की गई, बताइए आप प्रधानमंत्री के मुंह से बात निकल गई हो जयपुर में अजमेर में कि ईआरसीपी को हम राष्ट्रीय परियोजना बनाने के लिए सरकार में सोच रखेंगे, जब वसुंधरा जी बैठी हुई थी मांग कर रही थी, अब वो तो बात बच क्या गया, 16 योजनाएं चल रही देश के अंदर, आज अगर एक योजना 25 MB जीता है राजस्थान ने, अगर ईआरसीपी योजना लागू होती है अलवर भी उसमें आता है, जयपुर भी आता है, भरतपुर धौलपुर करौली माधोपुर दोसा सब आते हैं उसके अंदर, अजमेर तक आता है, टोंक आता है, आज 2 लाख हेक्टेयर की जमीन आपकी सिंचाई में आ जाएगी, बांध भर जाएगा पानी रस्ते में, 53 बांध तो मैंने अभी अनाउंस किए हैं जो छूट गए थे पहले योजना के अंदर, काम चल रहा मेरा। पर मैं मांग कर रहा हूँ आप अगर राष्ट्रीय परियोजना बनाते हो तो काम जल्दी पूरा हो जाएगा, वरना सालों लग जाएंगे, 40,000 करोड़ की योजना है वो, मैं उनके काम को बंद नहीं किया, मैंने आगे बढ़ाया, ये हमारे काम को बंद कर देते हैं, रिफाइनरी बंद कर दी हमारी, जयपुर मेट्रो बंद कर दी, कई हमारे काम बंद कर दिए। तो मैं लंबी बात नहीं कहता हुआ, हम यहाँ 1 करोड़ लोगों को पेंशन देते हैं, बुजुर्गों को विधवाओं को निःसज्जनों को, पहले 500 रुपये थी अब 1,000 रुपये कर दिए, और 15% अपना बढ़ता जाएगा आगे, ये हमने नियम बना दिए, उसका बड़ा इम्पैक्ट है। हम चाहते हैं कि देश में सोशल सिक्योरिटी लागू करें प्राइम मिनिस्टर, पार्लियामेंट कानून बनाए, 4 कानून बनाए थे यूपी गवर्नमेंट ने, नरेगा, फूड सिक्योरिटी एक्ट, राइट टू एजुकेशन और राइट टू इंफॉर्मेशन, 5 कानून बनाए, राइट टू सोशल सिक्योरिटी,
हर परिवार को लमसम अमाउंट मिले, जैसी उसकी स्थिति घर की है, कितनी संख्या घर की, परिवार की संख्या कितनी है, क्या स्थिति उसकी। यूरोपियन मुल्कों में सबको बिजली पैसा मिलता है, हर परिवार को पालने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। ये कोई ऐसा नहीं है आपके ऊपर हमारा कोई, ये सरकार कल्याणकारी सरकार डेमोक्रेसी है, जिम्मेदारी बनती है हम हर परिवार का ध्यान रखें। इस प्रकार कानून पास होना चाहिए देश के अंदर, ये हमारी मांग थी लगातार। तो मैं चाहूँगा, राहुल गांधी ने इसको आगे बढ़ाया था, 6,000 रुपये प्रतिमा न्याय योजना लाए थे, पर चुनाव के अंदर मैनिफेस्टो में लिखा, लोग समझ नहीं पाए, उसका फायदा नहीं उठा पाए। इतने में कहना चाहूँगा, कहने को बहुत सारी बातें हैं, पर इसे अग्निवीर में फंसे हुए हैं, 18 साल में भर्ती हो और 22 साल निकल जाओ नौकरी से, कोई सम्मान नहीं आपका, उसमें फंसे हुए हैं सरकार। मैं आपसे अपील करूंगा कि आप कृपा करके, इस बार हमने किसानों का अलग बजट पेश किया है, हिंदुस्तान में कहीं नहीं हुआ। पहला मैंने अनाउंसमेंट किया था कि तमिलनाडु ने SM जाके उन्होंने शुरू कर दिया था। तो मैं आपको कहना चाहूंगा, कृपा करके, यहाँ तो इंद्रधनुष चल रही है, घर घर गाँव गाँव में 8 रुपये भोजन दे रहे हैं गरीबों को, इतना मजदूर है, गरीब है, हॉस्टल में रहने वाले बच्चे हैं, सब फायदा उठा रहे हैं। तो हमारी स्कीमों की तो सब तारीफ करते हैं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, सब शानदार काम किया, शानदार स्कीम आई है, पहला वोट मैं BJP को दूंगा क्योंकि मैं BJP का आदमी हूँ। मुझे कोई ऐतराज नहीं उनके ऊपर, क्योंकि अच्छा लगा मुझे, वो BJP का हार्डकोर आदमी है, दे वोट उनको, कोई दिक्कत नहीं है। पर स्कीमों की तारीफ सब करते हैं आज। और सरकार में जाके केरला जाके आया था, केरला में चुनाव चल रहे थे, हमारे 30 साल से सरकार बदलती बार बार, वहाँ 70 साल से बदलती थी बार बार, एक बार कांग्रेस गठबंधन और एक बार कम्युनिस्ट पार्टी गठबंधन। आपको क्या बताऊँ मैं आपको, उन्होंने कहा मुझे इस बार पब्लिक ने, वहाँ सब, इस बार तो कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार अभी है, वापस रिपीट होगी। तो मैंने कहा वो क्यों भाई, 70 साल में बदलते हैं, कहीं इस बार कोरोना में अच्छा काम किया, कोविड के अंदर अच्छा काम किया। तो मैंने कहा कोविड में अच्छा काम किया, मैंने मन में सोचा सरकार वापस आ भी गई, उनकी रिपीट हो गई। मैंने कहा कोरोना में एक वहाँ की जनता जिता सकती है भाई चुनाव, तो राजस्थान में हमने कोरोना के अलावा भी, कोरोना में शानदार काम किया, कोई भूखा नहीं सोया, ऑक्सीजन कोई मरा नहीं, अच्छा इंतजाम किया हम लोगों ने, बाहर के राज्यों में लोग आके यहाँ भर्ती हुए हमारे इलाज के लिए, क्या नहीं हुआ यहाँ पर। बिरला मॉडल तो दुनिया में चला गया, WHO तारीफ करी उसकी, तो क्यों नहीं हमारे यहाँ पे भी इतनी स्कीम लेके आए, इतने कानून पास किए हम लोगों ने, गारंटी दे रहे हम लोग, पूरे देश में चर्चा है राजस्थान की, हमारी स्कीमों की चर्चा है राजस्थान भर की, दुनिया में नहीं देश भर में है, ये पहली बार हो रहा है। गिग वर्कर्स एक एक्ट बनाया हम लोगों ने, उनकी चर्चा दुनिया में हो रही है। ये उबर ओला बड़ी बड़ी कंपनियां आ गई, जो काम करते हैं इनके लिए कानून बना दिया हम लोगों ने, बड़े बड़े आर्टिकल आ रहे हैं उसके लिए। ऐसा कानून हिंदुस्तान के हर राज्य में बनना चाहिए और दुनिया के मुल्कों में बनना चाहिए, आपने पढ़ा होगा एक्सप्रेस के अंदर। तो क्या क्या हमने नहीं किया, तो अगर केरला के लोग समझदार हैं तो हमारे लोग भी कम समझदार हैं। तो मुझे यकीन है इस बार वापस सरकार रिपीट यहाँ भी करेंगे। अब मैं आखिर में कहना चाहूँगा कि सरकार रिपीट तभी होगी तब आप हमारे उम्मीदवारों को जिताएंगे, क्योंकि नंबर गेम मैजिक नंबर होते, 101 सीटें आती है तो सरकार बनती है। पिछली बार आपने बहुत कृपा करी, बहुमत दिया हम लोगों को काफ़ी संख्या में, हमारी सरकार बनी। इस बार हमने आपके लिए, आम जनता के लिए जो कुछ संभव था वो करने का प्रयास किया और गुड गवर्नेंस देने का प्रयास किया। आपके यहाँ अजय अग्रवाल खड़े हैं, यहाँ से अलवर शहर से टीकाराम जूली, अलवर ग्रामीण से जुबेर भाई रामगढ़ से, और साथ में खड़े आपके उम्मीदवार कटुमर से संजना जाटव, बैरोड से संजय यादव, राजगढ़ से मांगीलाल मीणा, तिजारा से इमरान खान, बानसूर से शंकुतला रावत, थानागढ़ी से कांति मीणा, मुंडावर से ललित यादव, किशनगढ़ बाद से हमारे बहुत ही बुजुर्ग नेता हैं आदरणीय दीप सिंह खेड़िया जी। मैं चाहूँगा आप लोग जिताए इनको, सरकार आप बनाओ और आप मुझ पर छोड़ दो, ये वोट सीधा मेरे पास आएगा, आपका वोट आएगा।
आप जीता हूँ इन सबको, और मैं आपसे वादा करता हूँ जो स्कीम हमने दी है आपको, योजना दी है, उन योजनाओं और मजबूत करेंगे, नई योजना लेके आएंगे, नौकरियों को और द्वार खोलेंगे नौजवानों के लिए, प्राइवेट सेक्टर को आगे करेंगे लाने के लिए, कोई कमी नहीं आने देंगे, ये मैं आपको कह सकता हूँ। कृपा करके इस बार पुनः आशीर्वाद दें, हमारा वोट मांगने का हक भी आपके ऊपर है, क्योंकि हमने काम करके दिखाया है। जो नेता दिल्ली से आते हैं, ये कोई हक नहीं इनका, कोई हक नहीं मांगने का, ये खाली भड़काने वाले भाषण दे रहे हैं, इनके और इनके जो राजस्थान नेता वो भी उनके देखा देगी वही काम कर रहे हैं। यही बात कहता हूँ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद। धन्यवाद सम्माननीय गहलोत साहब।